जोहार ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। नवादा में नल जल योजना का कार्य अधूरा, कुआं एवं झरना से प्यास बुझा रही ग्रामीण। ग्रामीणों ने पीएचडी के कार्यपालक अभियंता एवं समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई से मदद की लगाई गुहार। खबर विस्तार से। पश्चिम सिंहभूम जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंदगांव प्रखंड के भालूपानी पंचायत स्थित नवादा गांव इन दिनों पेयजल की समस्या से जूझ रही है। यह गांव जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण यहां पर मूलभूत सुविधा भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। वहीं पेयजल के लिए भी यहां के लोगों को पहाड़ों के झरना एवं कुएं के पानी पर आश्रित होना पड़ रहा है। सरकार की ओर से नल जल योजना का कार्य शुरू किया गया था, मगर अब तक पूर्ण नहीं हुआ, जिस कारण लोग कुआं एवं झरना का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव के समाज सेवी श्यामल पूर्ति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई की आवास पर पहुंचे और पेयजल की समस्या की जानकारी दी, जिसके बाद डॉक्टर विजय सिंह गागराई एवं ग्रामीण पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रभु दयाल मंडल से मुलाकात कर पेयजल समस्या की जानकारी दिया। कार्यपालक अभियंता ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के अंदर नल जल योजना का कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। मौके पर विजय गागराई ने कहा कि अन्य कोई भी समस्या हो जानकारी दे, समस्या दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर अनिल सोए, जोसेफ सोए, रोहित सोए, मनाजीत मुंडा, सामू सोए, सिंगराय सोए, मरकुश सोए, समयोल पूर्ति समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। अभी बंदगांव प्रखंड के भालूपानी पंचायत के नवादा और सारूगढ़ा गांव के ग्रामीण आए हुए हैं। यहां मुझे सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में पेयजल से संबंधित सोलर आधारित जो हर जल नल योजना है उसमें पानी समय पर आ नहीं रहा। उनका ग्रामीणों का कहना है कि दो दिन पर टंकी भरता है और किसी किसी जगह में जहां जो जमीन दाता है, जो जमीन दिया है, उनके घर पे भी नल नहीं लगा हुआ है। इसी संबंध में अभी हम लोग एक्सिक्यूटिव इंजीनियर मंडल सर के यहाँ आए हुए थे और अभी जैसे मंडल सर भी लोगों को आश्वासन दिए, संबंधित जो भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं उस विभाग में समेत उनको फोन किया। उनका कहना है कि छठ के बाद ये समस्या दूर हो जाएगा। मंडल सर को ले लो थोड़ा सा। आज जो हमारे सभी नवादा इसे भलोपरी पंचायत से जो भी यहाँ पर ग्रामीण आए और जो समस्या मेरे पास रखे, समस्या को मैंने नोट किया और उन लोग के सामने ही संवेदक से बात किए और जो भी समस्या, जैसे एक समस्या है कि ओवरफ्लो का सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो मंगलवार को छठ के